लुधियाना के छपार मेले में हर वर्ष की तरह इस बार भी सियासी अखाड़ा सजाया गया। बता दें कि बरसात में भी लोगों का जज्बा खूब देखने को मिला। वहीं कांग्रेस की ओर से सजाए गए स्टेज पर सीनियर लीडरशिप मौजूद रही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि 7 अक्टूबर को होने जा रही रैली, हर व्यक्ति को रैली करने का अधिकार है। वहीं उन्होंने सुखबीर बादल पर बरसते हुए कहा कि सुखबीर बादल की अकड़ कम नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने चैलेंज किया कि सुखबीर बादल पूरे पंजाब से कट कर लें और कांग्रेस के 2 हलकों की रैली उनके समान होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जहां तक सवाल बादल की गिरफ्तारी का है तो इंतजार करें, सबूत होने पर अंदर किए जाएंगे ताकि बाहर ना निकल सके। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में पेट्रोल पर GST कम नहीं हो सकता है क्योंकि पहले ही पंजाब पर बहुत ज्यादा कर्ज है। हर पॉलिटिकल पार्टी नूं रैली करन दा हक है, पर मैनूं इह पता नहीं लगदा सुखबीर सिंह बादल दी आकड़ दे हंकार, जिवें कहिंदे रस्सी जल जांदी वट नहीं जांदा। पंजाब दे लोकां ने पहला उन्हां नूं 3 नंबर ते जा के उहदा हंकार तोड़िया, फिर अपनियां कारपोरेशन दे चित कीते, फिर जिन्नियां उप चोणां होईयां ने पार्लीमेंट ते शाहकोट उह च उहनां नूं जमानत जब्त होण वाला कम होया। हुण जिहड़ा पंजाब दे विच उहनां नूं 0 ते करता, अजे भी उहनां दी आकड़ है। और पता लग जाएगा 7 तरीक नूं मैं चैलेंज करदा सुखबीर सिंह बादल, तूं पंजाब इकट्ठा कर लै, साढ़े इत्थे 2 हलके इकट्ठे हो जाणगे, किहदा वध घट हुंदा। गल इह है इन्नी छेती नहीं करदे सुखबीर बादल जी, वेट करो पक्के सबूतां नाल, तगड़े होके करेंगे मुड़ के निकल ना सके। इउं नहीं कि हुणे जाके तूं जमानत करा ले, अफसरां नूं डराउणा की है। अफसरां दे राही इन्हां ने पंजाब नूं जो लुट्टिया और कुट्टिया, पंजाब दे लोक भुलदे नहीं अजे, ये 25 साल की गल करते ने, ये मुड़ के लभणे नहीं किते पंजाब दे लोक। मैं स्टेज ते बोलूंगा दसूंगा फिर की हुंदा। देखो पंजाब दी हालात बड़े माड़े ने, 2,60,000 करोड़ का कर्जा छड के गए ना, जिहदा व्याज भरना भी अज औखा। पंजाब भी चलाउणा सी और पंजाब की सरकार भी चलानी है, पंजाब के लोगों का ख्याल रखते हुए जो वाजब होया जरूर करांगे। देखो रैली अज भी मीह पै रहा है, मीह किन्ने दिन तो लगातार पै रहा है। कांग्रेस वर्करां का जोश देखो मीह दे विच भी आए ने, इन्हां दा मैं धन्नवादी हां। वही दूसरी तरफ लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने छपार मेले की मुबारकबाद देते हुए अकाली दल की खूब आलोचना की। खास तौर पर छपार का मेला 2 दिन पहला मेला चलता, अपने अपने लोग जिहड़ियां मिट्टी कढ़दे आके जो जो मंगा आसां मुरादां नाल पिछली बार वो दुआवां करके गए होंदे आ, ते इस बार उन्हां दियां पूरियां होंदियां, उहदा धन्नवाद करदे आके ते अगे तो होर जिहड़ियां सुखां आ के सुखदे आ, मिट्टी कढ़दे आ उरे आके। ते मेला तुहानूं पता मेले 'च हर चीज़ हुंदी आ, बच्चे मिठा खाण आउंदे ने, झूला चुकण आउंदे आ, पर खास तौर पर अज का दिन सियासी कॉन्फ्रेंसों का दिन आ, सारिया पार्टियां कॉन्फ्रेंसा कर दिया, पर इस बार जिहड़ा मीह पिया है उहदे करके पंडालों चों रैलियां जिहड़ियां उह मैरिज पैलेस के अंदर आ गई, इस करके जो कट बाहर हो सकता वो अंदर नहीं होगा। तो मैं समझना तो अपनी अपनी पार्टियां है जिहड़ियां वो अपनी अपनी गल रखदियां लोगों मूहरे, यह मौका होगा। तो असी खास तौर पर अज बहुत बड़ी जित हुई है जिहड़ी ब्लॉक समिति जिला परिषद चोणां, तो बहुत बड़ा उत्साह है चाह है अज इस मेले कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि असी बड़े सालों तो जगराओं से दाखा सीट बड़े दिन असी कांग्रेसी मायूस होंगे, पर इस बार एड्डी बड़ी जित आ जी 52,000 से 27,000 वोट तो सीधी दाखे च 52,000 वोट हुई है। तो मैं समझना कि कांग्रेसी बागो बाग ने बहुत खुश ने, तो मैं समझना वो खुशी है तुम वर्करा के चेहरिया तो देख रहे हैं, ब्लॉक समिति मैंबर सारे बैठे आ, जिला परिषद मैंबर सारे बैठे आ, तो जित की खुशी भी नाल मना रहे हैं। 7 अक्टूबर मैं क्या जी असी चाहते सी यह जी कोई गल्लां ना होण, पर अकाली दल वाले हट नहीं रहे, तो हुण उन्हां दा जवाब सुखबीर सिंह बादल दा जवाब आ जिहड़ा वो लंबी जाके दवांगे, दसांगे भी किवें की 10 साल च तुसीं की लुट मचाई है। जदों घर घर च जाके दसांगे ना भी की लुट मचाई आ, किवें लोकां नूं लुट्टिया, किवें तुसीं बेअदबी कीती आ गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल, वो सारे पार्ट जिहड़े आ वो 7 तरीक नूं खोलांगे जाके। जागती लड़के लिए लुधियाणा से सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।